यूएस की टीम की मदद से अब 12 के 12 जहाज उड़ रहे, मेरे 11 के 11 A320 अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इंजीनियर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मेहनत और इनकी शब रोज काविशों से इस वक्त हवा में। सो ये सारे जहाज जो हवा में आए कैसे आए, कि इसी तरह आए कि लोगों को ओनरशिप दिलाई गई, उनको ये एहसास दिलाया गया कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम आपसे मोहब्बत करते हैं, पीआईए को उड़ना उड़ते हुए देखना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में एक और बड़ी अचीवमेंट जो हमने की वो ये थी कि पीआईए में कार्गो वाज अ फॉरगॉटन चैप्टर, देयर वाज नो कार्गो व्हिच वाज बीइंग एयरलिफ्टेड, सो द 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ आवर कार्गो फ्लीट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड। बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीनों से हम कंसिस्टेंटली 80% तक अपना कार्गो एयरलिफ्ट कर रहे हैं। पीआईए में सिर्फ जहाज ही एसेट्स नहीं होते, एचआर एसेट है, इसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बहुत बड़ा एसेट है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि पीआईए के ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो कि किसी भी एविएशन इंडस्ट्री के लिए, एविएशन एयरलाइंस के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी साबित होती है, दे वर अबैंडन्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स, वी हैड नॉट इन्वेस्टेड एंड दे वर एनीथिंग व्हिच वाज अनसर्विसेबल दैट वाज बीइंग थ्रोन ऑफ। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसी मेरी टीम ने मिलके, वही मजदूरों ने बेचारों ने जो कि जिसमें डेली वेजेस के भी एम्प्लॉयज थे, उन्हें उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को खड़ा कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि हम जो डॉलर्स में दूसरी एजेंसी को पैसे देते थे वो कम, अकाउंटेबिलिटी वॉज नॉट देयर, देयर आर पीआईए प्रॉपर्टीज जो कि शायद सोशल मीडिया पे लोगों ने बाद में डिस्कवर की, हम उससे पहले वहां पहुंच गए, हमने उनको डिस्कवर किया। हमारी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज थी जो कि 7 साल से बंद थी, हमारी एम्स्टरडेम में 3 प्रॉपर्टीज थी, आपने तो सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 प्रॉपर्टी देखी, हम उससे पहले वो तीनों प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर चुके थे। हमारे पास ईरान, ताशकंद, यू नेम अ कंट्री, ये 7 वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी जिनको हमने अकाउंट फॉर किया। उसके अलावा पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज व्हिच वर अगेन अबैंडन्ड एंड दे वर बीइंग यूज्ड बाय अदर एजेंसीज, उन सारी प्रॉपर्टीज को मेरी टीम ने मिलकर उनको अकाउंट फॉर किया एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ बेटर यूज। बहुत बड़ा एक डिस्कम्फर्ट जो हम पैसेंजर्स को दे रहे थे, दैट वॉज दैट वी वर लीविंग बिहाइंड द बैगेज, एंड यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट A320 इज सच दैट यू कैनॉट ब्रिंग बैक द कंप्लीट बैगेज व्हाटएवर यू आर बोर्डिंग, बट द पॉइंट वॉज देयर वॉज अ प्रोविजन इन दीज एयरक्राफ्ट वेयर इनका मैक्स टेक ऑफ वेट लिमिट को आप एनहेंस कर सकते थे। वी सैट विद आवर टीम, वी सैट व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट दीज टेक्निकल चेंजेस व्हिच डिडंट कॉस्ट मनी, it was just the time which had to be spent, and alhamdulillah I'm very proud to state that alhamdulillah it has improved tremendously mashallah. IATA ki calculations ke mutabik maximum passenger load was now coming from north, maximum employees of PIA were stationed in Karachi whereas your maximum operation was supposed to be taking place from Islamabad, so alhamdulillah we brought this change, we convinced the people that look, positioning of such a huge asset of like 777 and flying with 20% 30% seat factor is not a logical thing. फिर इसमें एक और हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा डिसीजन लिया वो ये किया कि हमने मेंटेनेंस फैसिलिटीज को भी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया, सो अब नॉर्मल मेंटेनेंस या लाइन मेंटेनेंस और किसी हद तक सी चेक्स जो कि टेक्निकल टर्म है वो अब हम इस्लामाबाद और लाहौर में कर रहे हैं, उससे आपको न सिर्फ फाइनेंशली फायदा हो रहा है बल्कि आपके जहाजों की पोजीशन बच रही है। सो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट जहां से पैसेंजर का लोड बढ़ रहा है वहां से आपके ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। इन पीआईए वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज, यू टॉक ऑफ इंजीनियर्स, यू टॉक ऑफ पायलट्स, यू टॉक ऑफ केबिन क्रू, यू टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, पैसेंजर हैंडलिंग पीपल, आई कैन अश्योर यू दैट दे आर द बेस्ट एंड वी हैव स्टार्टेड टू मेक दैट रियलाइज। बहुत बात होती है पीआईए में जी के एयर होस्टेस बहुत बुरी है, बट मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो लुक आफ्टर, जो कर्टसी मेरी एयर होस्टेस और मेरा केबिन क्रू करता है शायद ही कोई एयरलाइन करती है, जो आपको एक फैमिली टच मिलता है। माय पायलट्स आर द बेस्ट, दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन सच एन एडवर्स कंडीशंस, माय इंजीनियर्स हैव रिकवर्ड सम ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हिच वर टेकिंग लॉन्ग टाइम अब्रॉड, so I send my pilots, my technicians from Karachi or Islamabad to those destinations abroad. Similarly, जो passenger handling और जो flight GMCCs हैं मेरे, they adjust the aircraft in such a quick manner
which is a unique example for other airlines also. And many airlines even in the country, they do consult us. कोई भी international airline एक ऐसी entity बनती है जो कि tourism को pull करती है. और जो Prime Minister का vision है, उसमें we are working on it, and I think that we will be able to play a major part. We have talked to certain domestic and international travelers. We have talked and interacted and in fact signed our co-branding with hospitality groups. We are also talking to various banks for signing off their credit cards. So by virtue of all these activities, PIA would be able to bring in the passengers, would be able to bring in the tourists to the country, expose them to this beautiful land and promote the business opportunity not only for Airline, but for other associated industries. After spending 1 year, we have settled down insofar as our working is concerned, our domestic and international priorities are concerned. But now is the time where we need enhancement in our fleet. We have introduced new routes